बताई है, बच्चों को ध्यान दें, कमेंट में उनको बताएं क्या लगवाएं, फिर खाना पीना अच्छा दें, अपने बच्चे को सब अच्छा रखें, और ध्यान बच्चा सब बच्चा तक के जाने का किसान हमारा करेगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान ध्यान रखना क्या स्वास्थ्य को बजे तक पटा जाते हैं कि आप लोग खाना भी जरूर दें, भूखे ज्यादा खाएं, अपना चला लें, भूखे नहीं अंत में धन्यवाद करूँ एक बार बैठक
ये कार्रवाई चिंतन का तरुण सभा की ओर से इसी बार प्रांगण में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली से पधारे डॉक्टर श्री अरविंद केसरी जी, डॉक्टर अरविंद केसरी जी जो कि महामंत्री तरुण सभा के, वो दोनों जो मीटिंग करके वहाँ उनके पास आते हैं और अपनी स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कष्ट करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मंत्री अन्य सहयोगी साथियों, हमारे संरक्षक श्री गुप्ता जी, डॉक्टर बंदना गुप्ता जी और हमारे सामने बैठे हुए अनेक प्रधानों से पधारे हुए समग्र भाइयों बहनों मित्रों, आज अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि मैं इस विषय पर अपने सहभागी कार्यक्रम ये कहना चाहता हूँ कि महासभा का शताब्दी वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी की जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके पास सूचनाएं जाती हैं, वो आज पहले आ जाते हैं। मैंने अपने प्रदेश में रहते हुए बार बार लोगों का आह्वान किया, नगर की व्यवस्थाएं मिलने अध्ययन से जितने भी कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय जानकारी दें और तब वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आए, यह नहीं कर करके वो चुप चाप टिकट कटाते हैं चले जाते हैं। बातें छोटी हैं, हम लोग उस न्यास को गठित कर लेंगे, यह क्लियर समझे जाने से मेरे विकास से थोड़ा अच्छा रहेगा। प्रयास करना हम लोगों का फर्ज है, यहाँ हम लोग सिर्फ मानव समिति में नहीं बैठे, प्रयास करना फर्ज है, सफलता देना भगवान के हाथ में है। मैं कहूंगा दूर करें महासभा के पदाधिकारी जाते हैं यहाँ से बैठक करें, महासभा के दिए गए निर्णय को बताएं, उन पर राय लें और जो कार्यक्रम जाते हैं करें। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें और महासभा एक जो शिक्षा फंड है उसको वास्तव में शिक्षा फंड बना करके हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री की संख्या गुप्ता जी को बता की संख्या को सौंपता हूँ। की संख्या मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हेल्थ केयर में स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी अपने अपनी जांच करवाने की कृपया करवा चले जाए, अनुरोध है वो। अब मैं इस विषय पर श्री विजय भैया जी फिलहाल एक मिनट वो आपको करेंगे रेखा दर्शन करने के लिए विजय जी बोले। इससे पूर्व मैं वाराणसी से अनुरोध करूंगा आए और दो हमारे समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, प्रदेश देश का सुदूर स्थानों से आए हुए प्रतिनिधिमंडलों, माताओं बहनों भाइयों तथा पत्रकार क्योंकि हमारे झारखंड से आए हुए बच्चों ने कहा कि मुझे कैसा होना चाहिए जो कार्यक्रम मुझे अंतिम दिन लागू हुआ थोड़ा कोई उसका अंतिम जो तैयार हुआ वो प्रतिनिधियों के पास पहुंचा कि नहीं होता, मेरे पास तो नहीं होता है। जो भी आप निर्णय लेते हैं उसका विधि बनाकर कम से कम जिनको आप जिम्मेदार मानते हैं उनके पास जाए, तभी तो वो आगे बैठक बुलाएंगे। जैसा हमारे छत्तीसगढ़ के झारखंड के उन्होंने कहा उसका निर्णय जैसे होना चाहिए, हम पर नहीं लगता या हो सकता है हमारी गलती हो, अगर गलती हो तो हम आप सब लोगों से क्षमा मांग लेंगे कि कोई विधि मिला नहीं, कि जो सदस्यता शुल्क है वो कम है। मैं ये जानना चाहूंगा अध्यक्ष जी से, जो सदस्यता शुल्क निर्धारित है पहले से, क्या वो 100% आपके पास आ चुका है? यदि उसको कितना कट दिया जाए, लेकिन पहले उसका 100% आए। मेरे यहाँ वाराणसी में एक बैठक हो रही थी तो
मैंने बोल दिया भाई आपको मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय कितना क्षमा प्रार्थना करते हुए हम आपसे अग्रह करेंगे एक बार फिर हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, हमारे पास एक सामाजिक बाध्यता है, तो एक निवेदन करें हमारे महामंत्री जी निवेदन करें हमारे जनपद जी निवेदन जरूर किया थे क्योंकि गंगा दिखाने का ऐसे वाराणसी में कम से कम 10,000 परिवार को उपाय ही होगा मिलेगा। उसके लिए काफी संघर्ष हुआ और उस के नेतृत्व में संघर्ष हुआ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, जिस समय माननीय मुलायम सिंह जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि इस समाज के लोगों के आरक्षण के विषय में को अगर कहीं से इंडिकेशन मिलता है तो हम सोचते हैं केवल हम ही जाए, हम ही को लोग जाने, उसके अलावा दूसरे को न जाने, और है संगठित लोग हैं और उसी संगठन को अगर इसलिए अभी हमारे जो वक्ता थे उन्होंने कहा बताइए लोगों को मीटिंग करके और क्या हम लोगों ने पास किया ये भी बताइए, तो ये सब चीजों की हमें बहुत जरूरत है और साथ ही साथ ये इलाहाबाद में नगर उपांचल की हूँ तो मैं वहां पर बुलाया गया है वहां तो जाएंगे साथ ही साथ माननीय जो मुख्यमंत्री है उनको भी बताएंगे हो क्या रहा है कि हम लोगों को लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये जो समुदाय है किसको वोट देता है, कहीं कहीं लोगों को ये लगता है कि इसका पन्ना जो है ये भाजपा को भी जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी ये परिवार इस तरह के हो जो कैंसर पीड़ित हो प्रयास करेंगे कि पैसा जो है मुख्यमंत्री की राहत खुद से दिलाने का काम शुरू करेंगे। साथ ही माता पिता के नाम से आप बनाइए वो जो है विशेष रूप में, लेकिन पदाधिकारी बनने के बाद आप ऊपर बड़े अपने राजीव गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्होंने हमको बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं उनसे उनको धन्यवाद देता हूँ। और अभी हमारे जो वक्ता कह रहे थे 1976-18 में आप शताब्दी वर्ष अपना मनाएंगे और हम केसर हृदय से मैं स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद। लगभग 1 करोड़ रुपए है उसका मंच का निर्माण होना है तो इस तरह से और उस मंच के नीचे एक साइज गहलाओ 7% तो हो गया होगा, कार 7% से ज्यादा तो हो चुका होगा, आज इतना कार हो चुका है। और जब ये 300 दिन कॉलेज जसरा में बाबू जी के नेतृत्व में उसे संपादित किया जाएगा आप सबसे सबके सहयोग से आप सबके एक शुभ भाव आगे कर पाएंगे इसी यही आशा के साथ। हमारे बीच में श्री के अनुभव का लाभ आप सबको देना चाहता हूँ। सरकारी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अन्य प्रतिनिधि का आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रथम कार्यकारिणी जो भदोही में आयोजित हो रही है इसमें सोलहवीं महासभा के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा का ये विषय है। जो अध्यक्ष जी अपने अपने प्रदेश से अधिक से अधिक अखिल भारतीय सदस्यता जो हमारे देश हमारी वैश्विक की सदस्यता है उससे लोगों को जोड़े, जब हम अपने भी नहीं जमा है अगर हम सभी इसको अभियान के रूप में चलाएंगे कार्यक्रम को तो निश्चित रूप से मेरी अपनी मान्यता है हम 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर के चले और जैसा आपका 1500 रुपए की सदस्यता 1500 मुझे बताया गया बनने के लिए 1500 रुपए है। अगर हम पूरे प्रदेशों में जैसे मैं मान लू कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अगर ये प्रमुख जिले, लेकिन हमने इस लाइन की चिंता के बारे में कभी चिंतन नहीं किया और ये जिम्मेदारी हम अपने से पूछते रहे, जब हम ये प्रयास करेंगे तभी हमारी सदस्यता बढ़ेगी और सदस्यता मिलेगी। हो सकता है
मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कितने सदस्य बने। मैं अभी तक जैसा 700 सदस्य की बात कैसे बनानी है उस पर अलग से बैठ करके चर्चा जब करेंगे तो मैं उस बारे में भी अपनी बातें रख सकूंगा, लेकिन इस बात को हमें गंभीरता से लेना होगा। दूसरा मुद्दा, एक ट्रस्ट हम करते हैं लेकिन वो अगला विषय है। अच्छा, ट्रस्ट का अगला विषय है, सॉरी, मैं फिर उसमें बाद में बात करूंगा। रूपरेखा का पहला भी उन्होंने सदस्यता का बताया। दूसरा मुद्दा हम शिक्षा की ओर और रूपरेखा में शिक्षा के विकास पर काम करने का। देखिए, ये महासभा का जो सदस्यता है वो आजीवन सदस्यता 1000 रुपए है। हमारी राष्ट्रीय समितियां हुए हैं उनको भी 1000 रुपए देना। इस तरह अभी राष्ट्रीय समितियां ऐसा प्रदेश है जहां से एक दो लोगों को छोड़कर बाकी के पैसे आ गए हैं और बिहार से भी अधिक से अधिक पैसे आ गए हैं, उत्तर प्रदेश से भी पैसे कलेक्ट हुए हैं वाराणसी और इलाहाबाद से, उसमें भी 80% 85% कलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की बैठक में उसे कार्यक्रम के रूप में हम आगे ले सकते हैं। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का भी 1000 रुपया है ऐसा। जाएंगे